आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूँ आपके साथ शिवानी मोहपात। इस वक्त हम बीजेपी के कार्यालय के बाहर मौजूद है जो थोड़ी ही दूर पे है, और यहाँ पर किसान जिस तरह से लखीमपुर में मौत हुई उसके ऊपर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है। आप देख सकते हैं कितनी प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी भारी संख्या में मौजूद है। कुछ कार्यकर्ताओं से पूछेंगे क्योंकि इन सभी का कहना है, आप देख सकते हैं कि मोदी योगी इस्तीफा दो। सभी की मांग है कि मोदी योगी दोनों इस्तीफा दो। किसानों की मौत पे बीजेपी को ठहरा रहे हैं जिम्मेदार। चलेंगे लोगों से और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि क्या चाहते हैं और क्या है उनकी मांग। मुदित जी है सर, किस चीज को लेकर आप सड़कों पर उतरे हैं? वहाँ प्रियंका गांधी जी लगातार कर रही है किसानों के हित में, आज आप फिर उनके राष्ट्रीय कार्यालय जा रहे हैं, भारी संख्या में मौजूद है, क्या संदेश दें? दिल्ली के हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता अनिल चौधरी जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में बीजेपी के विरोध एक जबरदस्त प्रदर्शन का आज आयोजन किया है। क्यों किया ये प्रदर्शन, समझने की जरूरत है। आपको पता होगा जो यूनियन होम मिनिस्टर है, जूनियर यूनियन होम मिनिस्टर है अजय मिश्रा जी, उनके बेटे ने कल लखीमपुर में किसानों की हत्या की, गाड़ी से उनको लोन दिया। उसके विरोध में और मोदी जी की जो किसान विरोधी नीतियाँ रही हैं उसके विरोध में यहाँ एक विशाल प्रदर्शन है। आपने देखा होगा कैसे उन्होंने प्रियंका गांधी जी को वहाँ जाने से रोक दिया एवं उनको नज़रबंद किया। तो हम मोदी सरकार को ये बताना चाहते हैं, उनकी पीठ से हम ईंट बजा देंगे अगर उन्होंने किसानों की हितों की रक्षा नहीं की। सर, अभी इतने महीनों से किसान बैठे हुए हैं, आपने पहले भी किसानों से बातें करी, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं? अभी आपने पुतला भी फूंका उनका, उनके जितने पोस्टर वो जला रहे हैं, क्या लगता है सरकार सुने? देखिए, हम सरकार को मजबूर करेंगे सुनने के लिए। देखिए किसान, आप देखिए पिछले 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे हैं और इस मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, और कांग्रेस का पूरा समर्थन किसानों के साथ है। इसलिए है क्योंकि वो किसानों के हित की कांग्रेस बात करती है, और बीजेपी ने जो किसान बिल पास किए हैं वो किसानों के विरोध में है। उनकी जो जीविका है उस पर असर पड़ेगा, और किसान अपनी ज़मीन पर ही बंधुआ मजबूत हो जाएगा। तो हम, जैसे मैंने कहा, इस सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे और मजबूर करेंगे सरकार को कि किसानों की बात करें। मुझे नहीं लगता जी आगे सुनेगी, अगर सुन लेंगे तो फायदे में रहेगी सरकार। अच्छा। नहीं सुनेगी तो अपना ही नुकसान कर रही है। राष्ट्रीय कार्यालय पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार को इस तरह से जगाना चाहिए? अगर सरकार खुद जाग जाए तो उससे अच्छी बात ही नहीं है, नहीं तो फिर तो ये तो मजबूरी है, करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो और दबाते जाएंगे। नहीं, ऐसा है कि बीजेपी की जो सरकार है तानाशाही सरकार है। हमारी प्रियंका गांधी जी का जो हौसला बढ़ रहा है, कि जनता में हौसला बढ़ रहा है उनका, उनको देख के उनके नेतृत्व के अंदर, उससे बौखलाहट होकर उनको गिरफ्तार करा है। उनसे डर गए हैं भाजपा की जाएगी तो वहाँ पे पब्लिक सुनेगी और हमारे वोट कहीं तक कटेंगे, और हम चुनाव इसमें जो दिल्ली यूपी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी हारने वाली है। उस बौखलाहट से हमारी प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया है, और इससे पब्लिक के अंदर उनके प्रति स्नेह बढ़ा है, प्यार बढ़ा है प्रियंका गांधी के को लेकर, महिलाओं में और सम्मान बढ़ा है। तो आप भी आए हैं प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के हित में, कर रहे हैं, क्या लगता है कुछ फर्क पड़ने वाला है? प्रियंका गांधी जी वहाँ लड़ाई लड़ रही है किसानों के हित में, आप दिल्ली में? प्रियंका जी के सपोर्ट में पूरी दिल्ली नहीं, पूरे देश आ चुका है, पूरे देश में एक लहर जाग चुकी है। बीजेपी का जो तानाशाही चल रही है उसके विरोध में पूरे आम एक एक जनता, एक एक गांव का, एक एक शहर का, एक एक कॉलोनी का जनता आ चुका है, और उसे हम बिहार से आज आए हैं यहां पे दिल्ली में, बिहार से आए हैं कि सरकार को जगाने, मोदी सरकार को जगाने के लिए, कि तुम ये देखो तुम अत्याचार कितने यूपी हमारे बिहार में कर रहे हो। आज जो यूपी में किया है ये योगी सरकार और मोदी सरकार, ये दोनों देश के ये जो है ये चाहते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान करके ये राज करना चाहते हैं, हम लोगों को बंटवारा करके करना चाहते हैं।
यही सरकार कारगिल में ये जो कराए थे अटल बिहारी जी कि कोई लेना देना नहीं। आज भी पाकिस्तान या चाइना हमारे अंदर आ चुका है, चाइना उस पर इनको नहीं है। ये हमारे अंदर के किसानों को कुचल के ये राजनीति करना चाह रहे हैं। सिर्फ इनको वोट चाहिए, इनको सीट चाहिए, इनको और कुछ नहीं चाहिए इस देश में। आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं, हिट में कर रहे हो, प्रियंका गांधी जी कर रही है, क्या लगता है सरकार की बातें मान रही है? ये जो सरकार है ना, ये सरकार अडानी और अंबानी के, जो अडानी अंबानी कहेंगे वो ये सरकार करेगी। अच्छा। क्योंकि इन लोगों ने पहले इन लोगों का तय हो गया था कि जो भी होगा हम आपको देंगे और आपने ही सरकार चलानी है। तो ये सरकार कुछ भी करते रहो, आपसे इतने लोग मारे जा रहे हैं, 700 पर किसान मर गए, उस सारे काउंटने वाले लोग हैं। आपने बोला कुछ भी करते हो, आप प्रदर्शन करेंगे असर पड़ेगा? हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं ना। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से कहा है कि शांति से अपना प्रदर्शन करो, हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अपना फर्ज पूरा निभाएंगे। विपक्ष का जो फर्ज होता है वो पूरी कांग्रेस पार्टी निभा रही है। बड़ी विपक्ष पार्टी का पूरा भूमिका, हाँ पूरी भूमिका निभाएंगे हम लोग। पूरा लोगों के लिए जो हम सोच सकते हैं हम सहयोग करेंगे, पूरी मदद करेंगे लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।